प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 में है। हम लोग पहले इसको एनसीईआरटी से पूरा थ्योरी, उसका एग्जांपल्स यानी कि उदाहरण और एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली को एक सुर से पढ़ेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर एनसीईआरटी से ख़त्म होगा हम लोग अदर बुक से पढ़ेंगे। और बिहार बोर्ड में पिछले 10 साल में जितने प्रश्न आए हैं बहुपद से, पॉलिनोमियल से, हम लोग कोशिश करेंगे उसे बनाने का। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बहुपद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुपद का बेसिक क्लास 9 में पढ़े थे, बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार से होते हैं और इसका क्या क्या यूजेज है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। क्लास 10 में उसी का विस्तार रूप है। बहुपद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज़ ना सिर्फ क्लास 9-10 में है बल्कि जैसे जैसे हम लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे, 11-12 या इससे हायर क्लास में जाएंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो बहुपद हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बहुपद हम लोग पढ़ते हैं कि पहले बहुपद होता क्या है। तो आइए बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग जनरली बहुपद को पी एक्स से सूचित करते हैं, हालांकि सिंबल हम लोग कई सारे यूज कर सकते हैं, पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, ए नॉट एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ये बहुपद का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म होता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, तो इसको हम लोग एनवे घात का बहुपद कहेंगे यदि ये कुछ कंडीशन को फॉलो करे। ये हाँ, एनवे घात का बहुपद होगा यदि a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये x पे पावर n है, इसका जो कोफिशियंट है, इसका जो गुणांक है, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तब इसको nवें घात का बहुपद कहेंगे, जहां x का जो कोफिशियंट है, जो गुणांक है, वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होनी चाहिए। यानी कि इसका गुणांक क्या है, ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन माइनस वन ए एन, ये सब का सब वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होनी चाहिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और इसके साथ एक और भी कंडीशन है जो x का घात है, तो x का घात तथा x का घात यानी कि x का पावर पावर ऑफ x, ये आपका इंटीजर होना चाहिए। और सिर्फ इंटीजर कहना उचित नहीं है बल्कि नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नन नेगेटिव इंटीजर, ये हो नन नेगेटिव इंटीजर।
नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? ऋणोत्तर पूर्णांक। हाँ, नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि यह पूर्णांक संख्या होनी चाहिए लेकिन निगेटिव यानी कि माइनस वाला नहीं होनी चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या जो कि ऋणात्मक नहीं हो। विशेष इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, जो x का पावर है, x का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिसमें निगेटिव ना हो, मतलब माइनस वाला ना हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं? वो ऐसे तो देखा जाए पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या होता है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, लेकिन माइनस वाला हटा देना है तो क्या बचेगा? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब संख्याएं होनी चाहिए। एक्स का घात क्या नहीं होनी चाहिए? तो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ये आपका नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है बच्चों, तो क्या देखे बहुपद क्या है? तो बहुपद है कि यह आपका ए नोट एक्स पे पावर एन प्लस ए वन एक्स पे पावर एन माइनस वन ए टू एक्स पे पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस एन। इसको हम लोग एनवे घात का बहुपद कहेंगे। यदि एक्स पे पावर एन का जो कोफिशियंट है यानी कि जो गुणांक है ए नोट, इसको आप ए जीरो भी बोल सकते हैं, ये आपका जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और जो एक्स का कोफिशियंट है, जो एक्स का गुणांक है, तो यानी कि जो एक्स के बगल में है, वो सब का सब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि जो एक्स का घात है यानी कि जो एक्स का पावर है, एक्स का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि आपका ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़कर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां पर जो एक्स है, एक्स यहां पर कहलाता है चर। एक्स आपका क्या कहलाएगा? चर, यानी कि जिसे हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पढ़े, एक दो एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं क्या है। तो आइए एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल, हाँ, जैसे कि 2x प्लस 3 ये आपका बहुपद है, इससे हम लोग प्रायः px से सूचित करते हैं। नंबर 2 आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके लिए भी हम लोग px लिखेंगे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसके लिए भी px लिखेंगे हम लोग। तो ये सारा आपका बहुपद का एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। कैसे इसको एक बार वेरीफाई किया जाए? तो वेरीफाई करने के लिए आपको x का पहले पावर पे जाना है। तो x का पावर पे देखिए, यहाँ पर x का पावर कितना है? 1। तो ठीक, तो एक पूर्णांक संख्या है ही। यहाँ पर देखिए x का क्या क्या पावर है। तो बच्चों यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो 2 हो या 1 है, ये तो आपका पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर देख लीजिए 3 पावर 2 पावर 1 पावर, ये पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, तो बिल्कुल ही आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब बात है कि पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता है, तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। रिमार्क्स, हाँ, क्या क्या पॉलिनोमियल
नहीं हो सकता है। तो नंबर वन, वन बाय एक्स प्लस टू, तो यह एक जस्ट फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन बाय एक्स प्लस टू ही पॉलीनोमियल नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या है कि नीचे आपका एक्स प्लस टू है, यदि सिर्फ नीचे की बात किया जाए तो नीचे तो आपका बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि x पे पावर 1 प्लस 2 ये बिल्कुल बहुपद है, लेकिन इसको हम लोग एक बटे करके लिखे हैं, एक बटे करके लिखे हैं, इसीलिए यह आपका बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, नंबर टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस टू। तो अब बात है कि यह बहुपद है या नहीं है। तो देखिए हम लोग x की पावर की बात पहले करेंगे, तो x की पावर की बात करने के लिए अब दिक्कत यह है कि यहां पर तो x रूट में है, और हम लोग पढ़े हैं कि यदि रूट हटाएंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा, हाफ। तो आइए रूट हटाइए, तो ये x पे पावर कितना हो गया, हाफ, यानी कि एक बटे दो, और प्लस आपका दो। अब देखिए परेशानी कहां पे शुरू हो गया, तो परेशानी शुरू हुआ कि x पे पावर कितना है, हाफ है, एक बटे दो है, और एक बटे दो तो पूर्णांक संख्या होती ही नहीं है। पूर्णांक संख्या पहले क्या होती है, जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, लेकिन हम लोग नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, इसीलिए ये भी आपका बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वेरी गुड, हम लोग पढ़े बहुपद के बारे में कुछ बेसिक। अब आप क्या कीजिए कि मैं यहां से बोर्ड पर से हटता हूं, और आप इसे नोट्स बनाने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे हम लोग पहले तो दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे, तो इस प्रकार से देखिए, एक तो हम लोग इसको पद के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा है हम लोग इसको घात के आधार पर बांट सकते हैं, यानी कि पदों के आधार पर, और दूसरा आपका हो गया घात के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और यहां पर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो आइए नंबर वन पढ़ा जाए कि हम लोग पढ़ते हैं एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, और किसी भी चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। हाँ,
तो एक पदीय बहुपद क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक पद होनी चाहिए। हाँ, एक पद यानी कि इस प्रकार से हो सकता है 4x या 2, एक ही पद होना चाहिए। हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक पदीय बहुपद। नंबर 2, द्वि पदीय बहुपद। आप ही बताइए नाम से क्या क्लियर है, इसमें दो पद होनी चाहिए। इस तरह से ले लीजिए 4x प्लस 2 या x स्क्वायर माइनस 4, इसमें दो पद है। नंबर 3, त्रिपदीय बहुपद। अभ्यास बात है, नाम से क्या लगता है तीन पद होनी चाहिए। नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें कितना पद है? तीन पद है, तो इसको हम लोग तीन पदीय बहुपद कहेंगे। इसी तरह से चार पदीय बहुपद यानी कि जिसमें चार पद हो, पांच पदीय बहुपद यानी कि जिसमें पांच पद हो, इसी तरह से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हम लोग पढ़े पदों के आधार पर, और अब हम लोगों को देखना है घात के आधार पर। हाँ, घात का मतलब क्या हो गया? पावर। पावर के आधार पर क्या होता है? तो पावर के आधार पर आपका हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, एग्जाम्पल से समझिए। हाँ, किसी भी चीज को एग्जाम्पल से देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं 2x प्लस 3, यानी कि रैखिक बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम पावर 1 हो। ठीक है बच्चों, x का अधिकतम पावर 1, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। और यदि इसका व्यापक रूप की बात कीजिए तो व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स प्लस बी। इसका यह व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, जहां पर एक कंडीशन यह है कि ए आपका जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ए आपका जीरो नहीं हो सकता है। नंबर 2, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, पता चल जाता है। द्विघात, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण के भी बारे में जानते हैं कि पावर कितनी होनी चाहिए? 2, अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहां पर देखिए एक्स का अधिकतम पावर कितना है? 2, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप यानी कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? तो जनरल फॉर्म हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। एक कंडीशन नहीं भूलिएगा, कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि एक्स स्क्वायर का ही कोफिशियंट जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब तो दो घात वाला पावर ही खत्म हो जाएगा ना, वह नहीं होगा। इसी तरह से देखिए 3 नंबर, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तीन पावर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखिए, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, यह आपका हो गया त्रिघात बहुपद। और यदि इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म मैं यहीं पे लिख देता हूं, पी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए जीरो के बराबर नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसी तरह से यदि पावर चार रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ घात बहुपद, या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे बहुपद का प्रकार। हम लोग दो प्रकार से इसको डिफाइन किए, एक पद के रूप में और एक घात के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए मैं अभी कैमरे के नजर से हटता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों कुछ टर्म है जिसको हम लोग परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि बहुपद का डिग्री यानी कि घात क्या होता है। हाँ, डिग्री, यानी कि घात क्या होता है। तो कोई बहुपद है उसमें से x का जो अधिकतम पावर होता है उसे हम लोग उस बहुपद का घात यानी कि डिग्री कहते हैं। हाँ, किसी बहुपद में चर x का अधिकतम घात यानी कि पावर को उस बहुपद का डिग्री कहते। ठीक है बच्चों, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद यानी कि कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। तो एग्जाम्पल से समझिए, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल क्या हुआ। तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल आप एग्जाम्पल में इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें x हो ही नहीं उसको हम लोग कॉन्स्टेंट बहुपद, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल यानी कि अचर बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले लीजिएगा, पी एक्स बराबर फोर। तो पी एक्स बराबर फोर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो फोर एक्स पे पावर जीरो, क्योंकि x पे पावर जीरो, किसी भी संख्या पावर जीरो मतलब वैल्यू कितना हो गया, एक, तो चार एकम तो चार ही ना होगा। तो यह आपका कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, अचर बहुपद है। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि देखिए x का जो घात होता है उसको उसी घात का बहुपद कहते हैं। तो यहां पर x का घात कितना हुआ, जीरो, यानी कि इसको आप जीरो घात का बहुपद भी कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अचर बहुपद कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल जीरो डिग्री का
पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बच्चों, इसे आप और क्या कह सकते हैं, तो इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहां पर डिग्री यानी कि घात बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, और आइए हम लोग पढ़ते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद का मतलब हो गया कि ऐसा बहुपद जिसमें एक्स का जो भी कोफिशियंट है, जो भी गुणांक है, वह जीरो हो, शून्य हो। हाँ, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से हो सकता है, पी एक्स बराबर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन एक बात क्या बोले कि एक्स का जो कोफिशियंट है, जो गुणांक है, वह कितना होनी चाहिए, जीरो, और हर जगह जीरो होनी चाहिए, यानी कि जीरो जीरो जीरो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शून्य बहुपद पढ़ लिए। ठीक, और अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का किसी बिंदु पर मान क्या होता है। बहुपद का किसी बिंदु पर मान यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। हाँ ठीक है बच्चों, हम लोगों को किसी बहुपद का मान निकालना है किसी एक बिंदु पे। एग्जाम्पल समझिए इसको, तो एग्जाम्पल देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि पहले एक रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं उसको समझने का। तो इस प्रकार से आप एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री है, यह आपका एक बहुपद है और इसमें एक्स बराबर वन पे वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, आइए तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर वन यानी कि एक्स बराबर एक रखने पर, तो क्या हो जाएगा बाबू, जहां 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 एक्स है उसके जगह पे आप क्या लिखिए, तो उसके जगह पे आप लिखिए वन, तो पी वन बराबर टू एक्स, एक्स के जगह पे आप वन रख दीजिए, इंटू वन प्लस थ्री, दो एक कम दो और दो तीन कितना हो गया पांच, तो फाइनली आप क्या देखे, तो आप देखे कि पी वन बराबर कितना हो गया, पांच हो गया। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये जो आपका पांच है, इस दिए गए बहुपद का एक्स बराबर एक पर मान है, समझ गए, एक्स बराबर एक पर मान है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग एक्स का दूसरा भी मान रख सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि पुट एक्स बराबर जीरो, एक्स के जगह पे आप जीरो रखिएगा, तो बाबू क्या हो जाएगा, p और यहां पर x के जगह पे जीरो रख दीजिए, तो जीरो बराबर टू इंटू एक्स, एक्स के जगह पे जीरो प्लस थ्री, दो गुना जीरो कितना हुआ जी, जीरो, जीरो जोड़ तीन कितना हुआ, तीन, यानी कि p जीरो बराबर वैल्यू आपको कितना मिल गया, तीन, और p वन बराबर वैल्यू कितना मिला था, पांच मिला था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरल पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हाँ जनरल पॉलिनोमियल लीनियर में यानी कि रैखिक में। ठीक है, तो इस प्रकार से है कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी,
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यह आपका क्या है बाबू, यह आपका एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और यहां पर यहां पर टू एक्स बराबर के, यानी कि एक्स बराबर के रखने पर, एक्स बराबर के रखिए तो क्या हो जाएगा, पी एक्स के जगह पे के बराबर, यहां पर बल्कि पहले ए लिख दीजिए, ए और एक्स के जगह पे के प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग एक्स बराबर के पर बहुपद का मान निकाल रहे हैं, और यहीं से हम लोगों को बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करेंगे अभी आने वाले समय में, कि हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे, कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो कैसे निकाला जाता है, बहुपद के शून्यक और उस बहुपद के एक्स का जो कोफिशियंट है, जो गुणांक है, उसके बीच में क्या संबंध होता है, आखिर कोई बहुपद है तो उसका अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद से हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ तो एप्लीकेशन होनी चाहिए ना, यूज होनी चाहिए ना दैनिक जीवन में, लाइफ में, तभी तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका ज्यामितीय अर्थ पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो पहले शून्य के बारे में हम लोग विचार करते हैं, तो एक पहले एग्जाम्पल से समझिए, फिर हम लोग शून्य के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से है कि आपका है पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस थ्री। तो शून्य के लिए आप बताइए कि आप एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पे ऐसा क्या मान रखिएगा ताकि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जो है ना, मान लीजिए, माना 2x प्लस 3 बराबर 0, कहने का मतलब है कि px किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब आपका 2x बराबर कितना हो गया, माइनस 3, और x बराबर माइनस 3 बाय 2, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 3 बाय 2। अब आप देखिए कि p यहां पर x के जगह पे माइनस 3 बाय 2 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, ये दो तो आपका है ही, और बाबू x, तो x के जगह पे आप क्या लिखिएगा, माइनस 3 बाय 2 प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों कैंसिल, क्या मिल गया जी, यहां पे माइनस 3 प्लस 3, और अल्टीमेटली आपको वैल्यू क्या मिल गया, 0। तो देखिए क्या मिला, मिला ये कि p माइनस 3 बाय 2 पर इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना मिल गया, 0। तो किसी बहुपद का यदि किसी बिंदु पर मान 0 हो जाए तो उस बिंदु को, उस बहुपद का शून्यक यानी कि 0 कहते हैं, समझ गए। तो यहां लिखेगा, यहां x बराबर माइनस 3 बाय 2 बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक यानी कि 0s, हाँ 0s है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, शून्यक क्या होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग अब पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोज ऑफ ए
पॉलिनोमियल। हम लोग लिखते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। किसी बहुपद पी एक्स का शून्यक एक्स बराबर के होगा यदि पी के बराबर जीरो। यानी कि यदि के पर बहुपद का मान जीरो हो जाए तो उसको हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक रैखिक बहुपद लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। पी एक्स बराबर कितना, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए आपका जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका शून्य के है। ठीक, माना पी एक्स का शून्य यानी कि जीरोस एक्स बराबर के है। देयरफोर पी के बराबर कितना हो जाएगा बाबू, जीरो। कहने का मतलब है ए के प्लस बी बराबर जीरो, तो ए के बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी, और फाइनली के बराबर मिल गया माइनस बी बाय ए। ठीक है बच्चों, तो के बराबर फाइनली क्या मिल गया, माइनस बी बाय ए। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस तो आप लिख ही दीजिए, और आप बताइए कि ए और बी क्या है। हाँ, ए और बी क्या है, तो पहले ए की बात करते हैं। ए क्या है, तो ए देखिए तो यहां पर क्या है, ए तो एक्स का गुणांक है ना जी, कोफिशियंट ऑफ एक्स। यानी कि ए के जगह पे आपको लिखना है एक्स का गुणांक, इंग्लिश में भी हम लिखेंगे इस तरफ। और यहां पे आपका बी क्या है, तो बी है आपका अचर पद यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म। ऊपर आपका हो गया अचर पद यानी कि माइनस, हाँ माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बटे कोफिशियंट ऑफ एक्स। ठीक, तो यही आपका के यानी कि शून्य निकालने का तरीका है। हालांकि और भी ज्यादा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन और ज्यादा डिटेल से हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका देखते हैं कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हाँ, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल वन, मान लीजिए कि एफ एक्स नहीं बल्कि एफ एक्स से लिखते हैं हम लोग, अभी पी एक्स लिख रहे हैं बहुपद को, तो पी एक्स ही लिखेंगे। पी एक्स बराबर है आपका 2x+3, ठीक है बच्चों, पी एक्स बराबर 2x+3। और पी एक्स को हम लोग y से भी लिख सकते हैं, तो फाइनली आपका क्या है, तो आपका है y बराबर 2x+3। और हम लोग क्या करते हैं कि x के अलग अलग मान के लिए हम लोग y यानी कि px का अलग अलग मान निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक घर बनाते हैं इस प्रकार से। हम लोग कई सारा मान ले सकते हैं, ये तो हो गया x और ये आपका हो गया px बराबर y। तो x का अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए आप 0 लेते हैं, यदि x 0 लीजिएगा तो 0 गुना 2 0, 0 जोड़ 3 3, x आप 1 ले लीजिए तो 2 एक कम 2 और 2 3 कितना जी 5, आप माइनस 1 ले लीजिए तो माइनस 2 जोड़ 3 कितना बचेगा बाबू 1, आप 2 ले लीजिए तो 2 दूनी 4 3 7, माइनस 2 ले लीजिए तो माइनस 2 और 2 माइनस 2 दूनी माइनस 4 और जोड़ 3 यानी कि आपको वैल्यू कितना मिला -1। और इस प्रकार से हम लोग एक नहीं बल्कि कई सारे वैल्यू को ले सकते हैं, x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान आएगा, px का अलग वैल्यू आएगा। इसको ग्राफ से समझिए, यदि आप किसी भी चीज को ग्राफ से समझ गए इसका मतलब आपको मैथ समझ में आती है। आइए ग्राफ से समझिए, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश, वाई एक्सिस, ये दोनों ही एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि इसके बीच का जो कोण है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो 90 डिग्री है, और जहां पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग जीरो यानी कि मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक। और अब आप देखिए कि अब आपको एक्स और वाई पर मार्क करना है, हाँ, कि एक एक इकाई के दूरी पर ले लीजिए, हम तो ये नहीं कहेंगे सेंटीमीटर या मीटर ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक्स मीटर में है, सेंटीमीटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इकाई की बात करेंगे। तो आप इस प्रकार से लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और भी आगे ले सकते हैं, इधर भी ले लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, बहुत सारा आप पॉइंट ले सकते हैं, इस तरफ भी ले लीजिए, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छ माइनस सात, नीचे भी ले लीजिए, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छ माइनस सात, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या मिला, जब x 0 है तो y का मान 3 है, x 0 y 3, एक आपको ये वाला पॉइंट मिला, x 1 y 5, x 1 y 5, आप ग्राफ में बनाइएगा तो मेरे से बेहतर बनेगा क्योंकि जो ग्राफ में है ये जो दूरी है ये दूरी एग्जैक्ट रहता है, नापा हुआ दूरी रहता है, और जो मैं अभी बोर्ड पे बनाया हूँ छोटा बड़ा हो रहा है,
हो सकता है कि उतना बेहतर फोटो नहीं बने जितना बेहतर फोटो आप ग्राफ में बनाइएगा। फिर देखिए माइनस एक पर एक एक्स, यदि माइनस एक वाई एक, एक्स दो वाई सात, एक्स दो वाई सात। यहां पे ये ग्राफ मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्लास नाइन में आप इस ग्राफ को बनाना जरूर सीखे होंगे। एक्स माइनस दो वाई माइनस एक, एक्स माइनस दो वाई माइनस एक। तो एक आइडिया लग गया कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब आप इसको मिलाइए, स्केल की मदद से मिलाइए, तो ग्राफ आपका यूं जाएगा, ए देखिए इस प्रकार से। हालांकि मेरा बहुत सीधा नहीं हुआ, हाँ स्केल से मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप बनाइएगा तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन होगा, ये बिल्कुल ही सीधी रेखाएं होगी। तो क्या पता चला, आप ग्राफ भी बना लिए, इससे क्या फायदा हुआ, कुछ कह सकते हैं इस ग्राफ के बारे में? तो इस ग्राफ के बारे में फिलहाल आप इतना कह सकते हैं कि हाँ सर, यह ग्राफ तो एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिला कि आपका जो रैखिक बहुपद है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे जो आप ग्राफ बनाते हैं वह ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो आप एक एग्जांपल लिए थे वो एग्जांपल रैखिक बहुपद के लिए थे, ठीक है। तो रैखिक बहुपद से आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, ये आपका हो गया सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, और जो है आप इसके बारे में क्या कहिएगा? तो पहले आप देखिए कि ये जो आपका था, ये जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, हाँ, तो इसका जरा शून्य के बारे में आपका क्या विचार है, शून्य के बारे में इसका शून्य कितना होगा, कोई बता सकता है? तो शून्य निकालने का क्या तरीका है, जो दिया हुआ उसी को आप जीरो मान लीजिए, यानी कि पी एक्स बराबर जीरो, तो यानी कि टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, टू एक्स बराबर माइनस थ्री, तो एक्स बराबर माइनस थ्री बाय टू, समझ गए? तो जब एक्स बराबर माइनस थ्री बाय टू है, और पी एक्स, पी एक्स किसके बराबर है बाबू, वाई के बराबर है, यानी कि जो आपका एक, जो आपका एक कोऑर्डिनेट मिला, हाँ कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो एक जो बिंदु मिला, बिंदु यानी कि जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम लोग वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो बाबू एक्स कोमा वाई, और आप देखिए तो एक्स कितना है, माइनस थ्री बाय टू है, और वाई कितना है, जीरो, समझिए। तो अब देखिए कि यदि आपको, अब आपको इस लाइन पर देखना है, इस लाइन पर देखना है कि ये पॉइंट है कहाँ पे। आइए इस पॉइंट को देखिए, ये माइनस थ्री बाय टू, तो माइनस थ्री बाय टू तीन में आप दो से भाग दीजिए, कितना मिलेगा जी, डेढ़, 1.5 नेगेटिव में, माइनस में, तो 1.5 आपका यही बिंदु तो है। जब y आपका जीरो है, याद रहे बाबू, जब आपका y जीरो होता है इसका मतलब वो x एक्सिस पे होता है, जब x जीरो होता है इसका मतलब वो y एक्सिस पे होता है। यहाँ y जीरो है तो हमेशा किस पॉइंट, किस लाइन पे आएगा जी, ये बिंदु, तो x एक्सिस पे आएगा। तो ये जो पॉइंट मिला, ये आपका क्या मिला, ये मिला माइनस थ्री बाय टू, और क्या मिला आपका, जीरो। तो देखिए इससे हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, इससे ये सीखे कि ये जो आपका वाई जीरो रखते हैं तो जो एक्स का मान मिलता है वह एक्स एक्सिस पे मिलता है, किस पे मिलता है, एक्स एक्सिस पे, और वही बहुपद का शून्यक भी होता है, समझ गए, बहुपद का क्या होता है, शून्यक। यानी कि एक चीज हम लोग क्या सीखे कि जो आपका सरल रेखा है, जो आपका स्ट्रेट लाइन है, वह एक्स एक्सिस को जहां पर काटता है वही रैखिक बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या बोले बाबू, एक बार फिर से सुनिए
कि ये जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद का जो ग्राफ खींचे हैं, वह ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, जीरोज ऑफ जी पॉलिनोमियल। तो नोट ध्यान देने की बात है, क्या ध्यान देने की बात है, तो इस प्रकार से यानी कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पर भी काटता है उसे हम रैखिक बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। और रैखिक बहुपद का कितना शून्यक मिलेगा, एक। मैक्सिमम कितना मिलेगा, एक। क्यों मैक्सिमम एक मिलेगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को कितना बार कटेगा, एक ही बार कटेगा। तो इसको भी लिखा जाए, रैखिक बहुपद का इसको आप नंबर वन दे सकते हैं, इसको नंबर दो। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक यानी कि मैक्सिमम जीरोस एक होगा। तो इसका मैक्सिमम जीरोस कितना होगा, एक होगा। ठीक है, और आइए हम लोग अभी पढ़ेंगे द्विघात बहुपद का, पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद का पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कितना टाइम हो गया, टाइम 10:11। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसीलिए अब जो आपका द्विघात बहुपद होगा यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, यानी कि सब का जो ग्राफ है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।